हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो ये देखिए, मैंने अपने पीस कट कर लिए हैं, तो मैं आपको इनका नाप बता देती हूँ। तो ये मेरे 8 पीस हैं जो 3-3 इंच के हैं, और ये भी मेरे 8 पीस हैं जो 3-3 इंच के हैं। अब क्या करेंगे, हम बारी बारी इनको फैला लेंगे। तो ये देखिए, मैं रख रही हूँ इन पीसों को। अब हम इनके ऊपर ये वाला पीस रखेंगे। तो ये भी मेरे 8 पीस है, तो ये सबके ऊपर इस तरीके से मैंने रख दिए। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हमें इसके ऊपर सिलने के लिए लाइन लगाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने स्केल ले लिया, पेन ले लिया, और ये पिन वगैरह ले ली, जिससे कि मैं इसमें, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया स्केल, तो हम इस पर लाइन लगाएंगे। तो ये हमारी बीच की लाइन हो गई, और ये हमने थोड़ा मार्जिन छोड़ के साइड साइड में सिलने के लिए लाइन लगा ली। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें बीच की लाइन छोड़ के यहाँ और इस वाली लाइन पे सिलना है। तो मैं आपको ये सारे पीसों पे पहले मैं लाइन लगा लेती हूँ, और फिर मैं आपको सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे अब सारे पीस सिल गए हैं। अब मैं क्या करेंगे, हम देखिए, अब हम साइड साइड में से जो हमने सिलाई लगाई है, अब हम इसको यहाँ से बीच में से कट करेंगे, ताकि हमारे डबल छेड़ के ये 2 पीस हो सके। तो ये देखिए, मैंने काट लिया है, और ये ऐसे हमारा डबल छेड़ का पीस आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब मैं ये सारे पीस कट कर लेती हूँ, और इस पर अच्छी तरीके से इन पर प्रेस कर लेती हूँ। चाहे आप ऐसे नाखून से इसको ऐसे प्रेस कर लीजिए, जिससे कि ये अच्छी तरीके से खुल जाए, वरना आप इस पर प्रेस कर लीजिए। और उसके बाद फिर हम इसको 2.5-2.5 इंच नाप के इनको, ये जो हमारे कोने हैं, इन सबको कट करेंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा फ्रेंड, उसे हम कट कर लेंगे। तो हमें ये सारे 2.5-2.5 इंच के चाहिए, तो हम इन सबको कट कर लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं, और इनको 2.5-2.5 इंच का कट कर लेते हैं। फिर आपको मैं इनका डिज़ाइन सेट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे पीस कट हो चुके हैं, और बिल्कुल हमने सफाई से इनको 2.5-2.5 इंच कर लिया है। अब क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, अब हम इनका डिज़ाइन सेट करेंगे। तो मैं आपको डिज़ाइन सेट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना डिज़ाइन सेट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम बारी बारी सिलेंगे। तो या तो हम इन चारों को ऐसे चार करके इन टुकड़ों को सिल लेते हैं, या फिर हम एक एक लाइन सिल लेंगे। एक लाइन ये सिल लेते हैं, फिर ऐसे 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 करके। तो हम क्या करेंगे, हम 4 पीस एक साथ साथ सिलेंगे। तो ये हमने 4 पीस अलग कर लिए, ये 4 पीस हमने अलग कर लिए। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको यहाँ से सिलेंगे, और इसको यहाँ से सिलेंगे। चाहे आप कैसे भी सिलो फ्रेंड्स, चाहे आप इसको ऐसे सिलो या ऐसे सिलो, सिलना वही है। तो ऐसे ही पहले हम एक एक पीस करके ऐसे सिल लेंगे, और फिर उसके बाद जब ये दोनों सिल जाएंगे, तब हम इसके ऊपर पलट के या जॉइंट से जॉइंट को मिला के और ऐसे सिल देंगे। तो मैं आपको ये एक पीस सिल के दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा पहला पीस सिल गया है। अब ऐसे ही हम इन बारी बारी पीसों का सिल लेते हैं। तो मैं इनको सिल के दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे 4 पीस तैयार हो गए हैं। अब क्या करेंगे हम, अब इसको हम इस पर रखेंगे, और यहाँ जोड़ से जोड़ को मिलाएंगे, और इसको ऐसे सिल देंगे। सेम इसको भी ऐसे करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ जोड़ से जोड़ को मिलाएंगे, पिन करके, पिन लगा के, और यहाँ से सिल देंगे। जब ये हमारे दोनों पीस तैयार हो जाएंगे फ्रेंड, तब हम इस पीस को रखेंगे, और यहाँ जोड़ से जोड़ को मिलाएंगे, और यहाँ जोड़ से जोड़ को मिलाएंगे, और फिर हम इसको ऐसे सिल देंगे। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, और देखिए कितना खूबसूरत बना है फ्रेंड्स। आप चाहे इसको इस तरीके से देखें, चाहे इस तरीके से देखें, तो ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो आप भी ऐसे डिज़ाइन बनाइए, और कुछ ना कुछ ज़रूर सिलिए फ्रेंड्स, इन डिज़ाइनों का यूज कीजिए। तो आप भी ऐसे मेरे डिज़ाइन को यूज कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए बाय।